सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। घोसी लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके ऊपर एक युवती ने वाराणसी के लंका थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अतुल राय ने लंका इलाके के एक फ्लैट में ले जाकर उसका यौन शोषण किया था, जिसके बाद उसे चुप रहने की धमकी भी दी गई थी। आपको बता दें कि पीड़ित युवती ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अपने बयान के साथ इस मामले में एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों अतुल राय ने मऊ में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और बताया था कि उक्त युवती मानसिक रूप से बीमार है और उनके ऊपर गलत आरोप लगा रही है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये लंका थाने में एक पीड़ित युवती के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उसके द्वारा अतुल राय के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और इस संबंध में 420 और 376 504 506 इन धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके पुलिस की द्वारा विवेचना की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई 161 और 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा और बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है गिरफ्तारी भी हो सकती है पूरे मामले में? अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, उसमें पूरा साक्ष्य का परीक्षण किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की।